दुनिया के क्रूर तानाशाहों में गिने जाने वाले किम जोंग की जिंदगी खतरे में है। CNN के मुताबिक 36 साल के किम जोंग उनकी हाल ही में सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने तो किम के कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये बात कंफर्म है कि किम जोंग अस्पताल में है और उनकी हालत नाजुक है। कोरोना वायरस का संक्रमण अभी दुनिया में फैला हुआ है। चीन के वुहान से शुरू हुए इस वायरस के चपेट में कई देश हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी तक स्थिति कंट्रोल में है। यहां मिले एक कोरोना पॉजिटिव को किम जोंग ने गोली से मरवा दिया। इसके बाद यहां से एक भी मामला सामने नहीं आया। किम जोंग को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में किम जोंग उनके ब्रेन डेड होने की भी अटकलें तेज हो गई है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की खुफिया जानकारी में पता चला है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सर्जरी के बाद गंभीर खतरे से गुजर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्डियोवास्कुलर की वजह से इलाज चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उनकी सर्जरी की गई, मगर इसके बाद उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। दादा के जन्मदिन के कार्यक्रम में नहीं हुए थे शामिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उनका प्योंगयांग के बाहर ह्यांगसान के एक विला में इलाज चल रहा है। किम जोंग उनको लेकर अटकलें और तेज उस वक्त हो गई जब वो देश के स्थापना दिवस और अपने स्वर्गीय दादा के 108वें जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को दिखाई नहीं दिए थे। काफी समय से बीमार चल रहे हैं किम जोंग। डेली एनके ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तानाशाह किम जोंग की तबीयत बीते कुछ महीनों में ज्यादा खराब हुई। इसकी वजह है बहुत ज्यादा स्मोकिंग, मोटापे की बीमारी और ज्यादा काम। CNN के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की मीडिया में अब तक किम जोंग की तबीयत को लेकर अब तक कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ है। इसकी वजह है वहां मीडिया पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। यही वजह है कि यहां से सूचना का इतनी जल्दी आना मुश्किल है। अंतिम बार 11 अप्रैल को देखा गया। बताया जा रहा है कि किम जोंग उनको आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 11 अप्रैल को देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की थी और कोरोना वायरस को लेकर सख्त जांच के आदेश दिए थे। इतना ही नहीं, वो 14 अप्रैल को मिसाइल के परीक्षण के कार्यक्रम से भी नदारद थे। बता दें कि अपने पिता और दिवंगत नेता किम जोंग इल की 2011 के आखिर में मृत्यु हो जाने के बाद किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सत्ता पर काबिज हुए थे। चीन से निकले कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए आज पूरी दुनिया दिन रात मशक्कत कर रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने तो इसका इलाज खोजने की बजाय एक फरमान जारी कर दिया कि अगर उनके देश में किसी भी नागरिक को कोरोना हुआ तो इसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसे जान से खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल उत्तर कोरिया में हाल ही में चीन में एक अफसर लौटा था, जिसे पहले तो इस शक में आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया कि कहीं उसे कोरोना ना हो गया हो, लेकिन बाद में उसे गोली मारने का आदेश सुना दिया गया ताकि पीड़ित व्यक्ति से ये वायरस किसी दूसरे शख्स तक ना पहुंचे। कोरोना को रोकने के लिए किम जोंग के इस फरमान से उत्तर कोरिया के लोग बेहद डरे हुए हैं। लोग इतना घबराए हुए हैं कि वो अब अपनी ही सरकार से चीन यात्रा को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं अगर किम जोंग को ये पता चल गया तो वो उन्हें गोली मरवा देगा। यूके मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी जब चीन से लौटे तो उन्होंने इसकी जानकारी वहां की सरकार को नहीं दी, जिसके बाद इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ा। किम जोंग ने चीन यात्रा को छुपाने के आरोप में उस अधिकारी को देश से ही निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो कोरोना वायरस का असर उत्तर कोरिया पर भी पड़ा है। कोरोना वायरस के चपेट में आने की वजह से नॉर्थ कोरिया में भी कुछ लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन इस जानकारी को बाहर लीक नहीं होने दिया गया। इससे पहले भी ऐसी खबर आई थी कि किम जोंग ने कोरोना वायरस से पीड़ित होने के शक में एक शख्स को गोली मार दी थी। दोस्तों, ऐसे ही हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।